बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले हनुमान जी के दर्शन आवश्यक माने जाते हैं। धारी देवी मंदिर जो है चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करती हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु जी विराजमान हैं और पूरा एक पत्थर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर अलकनंदा जी और भागीरथी नदी का संगम होता है। वहाँ पर जो भीम का घमंड था, गदाधारी भीम का, वो हनुमान जी ने तोड़ा था। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज की वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के रास्ते में जो मुख्य स्थान पड़ते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बद्रीनाथ धाम जाएंगे, लेकिन रास्ते में जो मुख्य स्थान पड़ते हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है और वो हरिद्वार से जाते हैं, बद्रीनाथ धाम घूम लिया और माना गाँव चले गए। लेकिन रास्ते में कौन कौन से मुख्य स्थान पड़ते हैं जो बहुत ही खास है, उत्तराखंड के मेन स्थान है, आप उनको न छोड़ें, क्योंकि ये जो यात्रा है इतनी आसान नहीं है। जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो क्यों ना रास्ते में जो स्थान पड़ते हैं उनको भी देख लिया जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपका वन डे और एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन जब आप इन स्थानों को देखेंगे ना तो आपको वो एक दिन कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर स्थान के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और आने वाले दिनों में अगर बद्रीनाथ धाम यात्रा करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, चार धाम यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि उत्तराखंड यात्रा जो है आपकी आसान हो जाए। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के बीच में जो मुख्य स्थान पड़ते हैं उनकी बात हम आगे करेंगे। पहले ये बता दें कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के बीच की जो दूरी है वो 318 किलोमीटर की दूरी है। श्रद्धालु जो है ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग सुबह 6-7 बजे के आसपास हरिद्वार से निकलते हैं और 10-11 घंटे के बाद बद्रीनाथ धाम तक पहुँचते हैं। तो ये जो सफ़र है ये लगभग कह सकते हैं 10 से 11 घंटे का है, तो अर्ली मॉर्निंग ही निकले ताकि आपके पास पर्याप्त समय हो और शाम तक आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएं। तो सबसे पहले जब आप हरिद्वार से जाते हैं, हरिद्वार से जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है तो आप लोग ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश आप वापस आते समय भी घूम सकते हैं। तो अभी आप ऋषिकेश से आगे बढ़ते जाइए, शिवपुरी बढ़ेंगे, शिवपुरी से आगे जब आप बढ़ेंगे तो देवप्रयाग आएगा। तो दोस्तों, फाइनली हम देवप्रयाग तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक ओर से, इस ओर से अलकनंदा नदी आ रही है और वहाँ से भागीरथी नदी आ रही है और इसी स्थान पर दोनों नदियों का जो कह सकते हैं मिलन होता है। देवप्रयाग एक बहुत ही खास जगह है जहाँ पर अलकनंदा जी और भागीरथी नदी का संगम होता है। ये बहुत ही खास संगम है क्योंकि यहाँ से आगे की धारा को गंगा जी नाम दिया गया है, तो आप कह सकते हैं गंगा जी का उद्गम यही है, क्योंकि यहाँ से दोनों धाराएं जब मिलती हैं तभी आगे की धारा को गंगा जी का नाम दिया गया है। तो देवप्रयाग दर्शन जरूर करें। अब जाते समय करते हैं या वापस आते समय करते हैं, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे श्रीनगर। श्रीनगर से जब आप थोड़ा सा लगभग 12-13 किलोमीटर आगे पहुंचेंगे तो आपको धारी देवी मंदिर नजर आएगा। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच में स्थित है, बहुत सुंदर मंदिर है। जैसे ही आप 50-60 मीटर आगे चलेंगे तो माता जी का जो मेन मंदिर है वो आपको दिखाई देगा। धारी देवी मंदिर जो है चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करती हैं। तो जो लोग चार धाम यात्रा पर जाते हैं ना, धारी देवी मंदिर में जरूर दर्शन करते हैं। आप लोग भी दर्शन जरूर करना और बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा हम बात करें, पूरा नीचे उतर कर आप मंदिर तक जाने में, दर्शन करके वापस आने में मैक्सिमम 45 मिनट या थोड़ी भीड़ हुई तो 1 घंटे लगेगा, आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप धारी देवी मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो रुद्रप्रयाग आ जाता है और रुद्रप्रयाग में आप जानते होंगे अलकनंदा जी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो आप वहाँ भी पहुँचिए और वहाँ भी दर्शन करें। ये रुद्रप्रयाग संगम जो है बहुत ही खास है, यहाँ पर दोनों पवित्र नदियों का जो मिलन है, जो संगम है, वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। वहीं पास में ही जहाँ पर ये संगम स्थल है वहीं पर रुद्रनाथ जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है रुद्रप्रयाग का, तो आप लोग रुद्रनाथ जी के मंदिर में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं।
दोस्तों जब आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो फिर कर्णप्रयाग आता है और कर्णप्रयाग भी एक संगम स्थल है, तीसरा संगम स्थल है जहां पर अलकनंदा जी और पिंडार नदी का मिलन होता है। तो एक बहुत ही मुख्य स्थान है, यहां पर भी आप जाइए और ये संगम स्थान जो है आपको रोड से ही देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर नीचे या ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पुल पे खड़े होकर आप दोनों जो पवित्र नदियां हैं उनके संगम को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चार धाम यात्रा का प्लान लेना चाहते हैं या केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम का यात्रा प्लान लेना चाहते हैं, पैकेज लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूं, अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल्स, आप इनसे बात कर सकते हैं और अपना चार धाम यात्रा का जो प्लान है पैकेज है उसको आप बुक कर सकते हैं। टेंशन फ्री होकर आप चार धाम यात्रा या दो धाम की यात्रा कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये पिछले कई वर्षों से चार धाम यात्रा करा रहे हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव है, तो आप इनको कॉल करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। जब आप कर्णप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो फिर नंदप्रयाग आएगा और नंदप्रयाग भी एक मुख्य संगम स्थल है जहां पर आप लोग अलकनंदा जी और नंदाकिनी नदी का जो मिलन है उस संगम स्थल को देख सकते हैं। बहुत ही फेमस जगह है नंदप्रयाग और रास्ते में ही ये संगम आपको देखने को मिल जाएगा। आप रोड में खड़े होकर भी आसानी से दोनों संगम देख सकते हैं। अगर आप नीचे उतरकर जाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं या जल भरना चाहते हैं तो आप आराम से नंदप्रयाग पहुंच जाइए और आराम से वहां पर दर्शन करें। आज की वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि इन स्थानों में से कौन कौन स्थानों को आप जानते हैं, कहाँ कहाँ पर आप गए हैं और किन स्थानों के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नंदप्रयाग से जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपका जोशीमठ आ जाता है और जोशीमठ जो है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है और वहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर है जो कि बहुत ही खास मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो आप लोग नरसिंह भगवान के मंदिर में ज़रूर जाना, नरसिंह देवता का मंदिर है, आप वहाँ पर दर्शन करेंगे। और जोशीमठ जो है ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्राचीन जगह है, जो हमारे देश के जो प्राचीन मठ हैं जिनमें से जोशीमठ आता है, जिसे पहले ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता था। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको विष्णुप्रयाग देखने को मिलता है और विष्णुप्रयाग भी एक मुख्य जगह है जहाँ पर दो पवित्र नदियाँ मिलती हैं, धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा का जल का बहाव है वो भी काफ़ी तेजी से आता है और इस तरफ अलकनंदा जी तो कह सकते हैं इस पूरे रास्ते में पूरा राजा होती हैं, क्योंकि हर जगह अलकनंदा नदी की ही चर्चा होती है। ये देख सकते हैं इस तरफ से अलकनंदा रिवर नजर आ रही है और इस तरफ से आ रही है धौली गंगा। दोनों का जो जल है, दोनों पवित्र नदियों का जल जो है बहुत ही अच्छे से दोनों मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी संगम हैं सबसे अच्छे संगम के दृश्य यहाँ के नजर आ रहे हैं। तो आप विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा जी का जो संगम है वहाँ पर आप जा सकते हैं, सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरकर आप जा सकते हैं, आराम से दर्शन करें, फोटोग्राफी करनी है फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करनी है तो आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लोग विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो फिर एक बहुत ही फेमस जगह आती है, वो आती है गोविंद घाट, जहाँ से आप लोग वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाते हैं, हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं। तो गोविंद घाट भी एक मुख्य पड़ाव है, तो यहाँ पर वैसे तो ज़्यादा कुछ दर्शन करने के लिए नहीं है लेकिन मुख्य पड़ाव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गोविंद घाट से ही वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाते हैं और उसके साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं। उसके बाद जब गोविंद घाट से आप आगे निकलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर जैसा कि नाम से आप जानते हैं ये जो जगह है कहते हैं पांडवों ने यहाँ पर स्थापित किया है, पांडवों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया है। ये जो है योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री जो पंच बद्री हैं उनमें से एक खास बद्री है पांडुकेश्वर में। योग ध्यान बद्री मतलब भगवान विष्णु का यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो विष्णु जी हैं वो ध्यान मुद्रा में उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है, तो बहुत ही प्राचीन यहाँ का इतिहास है। वो जो गेट आप देख रहे हैं वही गेट है योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर के लिए। ये दो प्राचीन मंदिर हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु जी विराजमान हैं, वहाँ पर वसुदेव जी विराजमान हैं। दोस्तों मंदिर की दीवारें आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े जो शिलाएँ हैं जो पत्थर हैं
उनको जोड़कर ये मंदिर तैयार किया गया है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो इसका गेट है कितनी मोटी शिला है, लगभग इतनी मोटी पत्थर है और पूरा एक पत्थर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप इस मंदिर को जब देखेंगे ना सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। पंच बद्री में से एक है, बद्रीनाथ धाम के तो दर्शन हो ही रहे हैं और पंच बद्री में से आपको योग ध्यान बद्री के भी दर्शन हो रहे हैं, तो आप इस प्राचीन मंदिर को मिस मत करना। यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो हनुमान चट्टी आएगा और हनुमान चट्टी बहुत ही फेमस मंदिर है। ये जब हनुमान चट्टी आप पहुंच जाएंगे तो ये भी समझ सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम यात्रा के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। यहाँ से जो बद्रीनाथ धाम है मात्र 11 किलोमीटर बचा हुआ है। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम पहुँचने से पहले हनुमान जी के दर्शन यहाँ पर करने आवश्यक माने जाते हैं। हनुमान चट्टी वही जगह है जहाँ पर हनुमान जी ने गदाधारी भीम है उनकी परीक्षा ली थी, अपनी पूंछ को बिछाकर रोड पे बैठ गए थे और जब भीम वहाँ से निकल रहे थे तो भीम ने हनुमान जी से कहा था, हे बानर अपनी पूंछ हटाइए मुझे यहाँ से निकलना है। तो हनुमान जी परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने कहा मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे से ये पूंछ है ये नहीं हट पाएगी, आप ऐसा करो खुद ही अपने हाथों से इस पूंछ को साइड में कर दो और आप निकल जाओ। तो फिर वहाँ पर जो भीम का घमंड था गदाधारी भीम का वो हनुमान जी ने तोड़ा था। तो ये हनुमान चट्टी वो मुख्य स्थान है तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे और बद्रीनाथ धाम आप दर्शन करें। अब बद्रीनाथ धाम से थोड़ा आगे भी बता देते हैं कौन कौन से मुख्य स्थान पड़ते हैं। देखिए बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल पड़ता है, बद्रीनाथ धाम मंदिर के बिल्कुल पास में ही अलकनंदा नदी के पास है जहाँ पर श्राद्ध कर्म के लिए पितृ कर्म के लिए जाते हैं, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और कहते हैं ये आखिरी श्राद्ध होता है, अगर आपने यहाँ पर श्राद्ध कर दिया तो फिर वो उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे मेन जगह ये मानी जाती है। फिर उसके बाद आप लोग माना गांव विलेज, जो माना विलेज है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और माना जो विलेज है वहाँ पर गणेश जी की गुफा घूमिए, व्यास जी की गुफा घूमिए, सरस्वती जी का उद्गम स्थल है और वहीं पर भीमशिला है, तो आप इन स्थानों को घूम सकते हैं। और माना गांव तो विश्व विख्यात है, यहां पर तो जो भी श्रद्धालु जाते ही हैं वो भी दर्शन करते हैं। उसके बाद स्वर्गारोहणी की यात्रा है जहां पर स्वर्ग की सीढ़ियां बताई जाती हैं, वहां से आप जाते हुए वसुधारा की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन वसुधारा के लिए आपको लगभग 5-6 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल ट्रैक है लेकिन बहुत सारे लोग उस ट्रैक में जाते भी हैं और कहते हैं कि इसी रास्ते से होते हुए 5 पांडव जो है वो स्वर्ग के लिए गए थे। तो ये जो बहुत ही खास खास जो प्लेस हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और एक जगह और है जो बद्रीनाथ धाम के पास में ही पड़ती है, चरण पादुका, भगवान बद्रीनाथ के चरण पादुका के दर्शन होते हैं, तो आप लोग वहाँ भी जाइए। और सच में ये जो मुख्य स्थान है जो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है आपको पंच बद्री में से योग ध्यान बद्री के भी दर्शन हो रहे हैं, पंच प्रयाग के भी दर्शन हो रहे हैं, बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो रहे हैं, माना गांव के दर्शन हो रहे हैं, हनुमान चट्टी के भी दर्शन हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेस जो है आप देख रहे हैं, धारी देवी मंदिर घूम रहे हैं और इसके अलावा कुछ प्लेस और पड़ते हैं, लेकिन उनके लिए आपको रोड से इस वाले ट्रैक से दूसरे रोड पर कुछ दूरी पर जाना होगा, तो उनको हमने कवर नहीं किया है, हमने वही प्लेस आपको बताए हैं जो आप आसानी से हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान आप पूरा कर सकते हैं, आसानी से जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से मुख्य स्थान है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन स्थानों के बारे में आपको पता था, कहाँ कहाँ पर आप गए हैं। और अब हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, दर्शन कराते रहेंगे और यात्रा की सभी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, जय बद्री विशाल।